हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्टेंस्ट मटेरियल। और देखिए, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट ईयर के और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ना, जो लैटरल एंट्री से, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। क्योंकि देखिए, जिनके कॉलेज में अभी क्या हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, सी एस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी? कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो अभी जिनके में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, ठीक है, जिनके में होने वाला है या अभी अब काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो देखिए, कुछ कॉलेजों में कल भी है, तो उनके लिए देखिए क्या करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और जो थर्ड सेमेस्टर के लैटरल एंट्री से, उनका क्या होना है, प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। बस देखिए, आपको कितना पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना, इतना पढ़ना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, होता है 20 का, बट यहाँ पर फुल मार्क्स आपको मतलब नहीं दिया जाता है। और देखिए, अभी हम आगे बताएंगे क्यों नहीं दिया जाता है, कैसे आपको नंबर मिलते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस प्रकार से नंबर, जिस जो बता देता है क्वेश्चन, उनको किस क्या नंबर मिलते हैं, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले ये देख लीजिए थोड़ा सा। फाइनली देखिए, यहाँ पर हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसमें जितना लिखा हुआ है बस उसको थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पेज हैं, आप उसमें से एक एक पॉइंट करके याद कर सकते हैं। आपको जो भी देखिए, कुछ भी पूछा जाएगा आपको इसी के अंदर से मिलेगा। हम सी एस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, ये तो रीडर पोर्सन की बात हो गई, अगर यही हम बात करें कि जो ग्रामर पोर्सन है, ग्रामर पोर्सन में आप बस पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, बस बाकी आपका कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, आपका यहीं से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये पीडीएफ की अगर हम बात करें, इसको देखिए, इसको आप देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन कौन से हैं, और इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए है कम्युनिकेशन की डिफिनीशन, डिफाइन करना है कम्युनिकेशन को, और वाई डज मैन नीड, यानी जो ह्यूमन है या मैन है उसको आवश्यकता क्यों पड़ती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम को भी डिफाइन करेगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी फाइट करेगा। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, आप देखिए उसके बाद क्या है, आपको रिक्वायरमेंट्स देखना है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ना भी देखें तो चल जाएगा, बट आप कम्युनिकेशन की जो डिफिनीशन है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और यहाँ पर जो मैसेज है ये क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, उनको देखना है, वर्बल, नॉन वर्बल, और देखिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, स्पोकन, रिटन, सारा कुछ यहाँ पर अभी आगे मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एडवांटेज में, एडवांटेज मतलब जो लाभ होते हैं, आप किसी भी एक का लिख सकते हैं, या तो ये 2-3 पॉइंट लिखे हुए, आप चाहे तो कुछ भी इसमें एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, ताकि आप बता सकें, वहाँ पर बोल सकें, बोलने का ही आपको नंबर मिलेगा अगर आपने सही बोला। और देखिए, यहाँ पर जो रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसके एडवांटेज क्या है रिटन के, तो रिटन के जो एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप इसमें से तीनों में से, यहाँ पर देखिए ये और ये जो है, इसमें से आप एक पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आपको सही से याद हो सके। और देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर टू कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सेम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बैरियर कम्युनिकेशन भी आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरियर कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब जो बाधा टाइप की, मतलब जो बाधा आती है, ठीक है, बैरियर मतलब बाधाएँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैरियर कम्युनिकेशन प्रोसेस सब कुछ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर्स भी, यहाँ पर इसको भी डिफाइन किया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल बैरियर, सब कुछ दिया हुआ है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड ऑन, देखिए यहाँ पर शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर्स, आप इसको भी देख सकते हैं, या तो आप इसे ना देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हैं, टूल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन के जो टूल्स होते हैं। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फर्स्ट पर आप कम्युनिकेशन रख सकते हैं, और सेकंड पर आप इसको रख सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये बहुत पूछेगा, आपको पूछ सकता है एग्जामिनर जो भी आएगा, वो यही पूछेगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, या ये पूछ देगा कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ये आपको पूछ देगा। देखिए, दो दो लाइन की है, एक एक लाइन की है, इसे आप याद कर लेंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपको मिलने होंगे। यहाँ पर देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पर इंग्लिश में से देखिए,
इसको भी आप देख लेंगे नॉन वर्बल। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फिजिकल, ठीक है फिजिकल मोमेंट यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्चर्स कम्युनिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है गैस्चर्स, ठीक है गैस्चर्स कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे, ठीक है एग्ज़ाम्पल याद कर लेंगे, एग्ज़ाम्पल भी पूछ सकता है एग्जामर। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए सिचुएशन कह रहा है, कम्युनिकेशन की सिचुएशन इंटरप्रेटेड, ठीक है इंटर यहाँ पर देखिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स ओवरकम किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर बस यहाँ पर आपको बस देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो डिवाइडेड इनटू फॉर्मल इनफॉर्मल जो टाइप्स के होते हैं उनको यहाँ पर भी डिफाइन किया गया, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है तो आपको करना क्या है इसको सिर्फ देख लेना है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल भी पूरा आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, आप जैसे रिक्वेस्ट कमांड्स ऑर्डर्स ये आप देख लीजिएगा रिपोर्ट, ठीक है आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए हम ये बात करें कि 20 में 20 मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है 20 आउट 20 जो आउट होता है ये 20 में 20 क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखिए 20 का आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है लेकिन क्या होता है कि कॉलेज में मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 18 मार्क्स दिया जाता है, जो रेगुलर है जो परफॉर्मेंस इसकी सही है जो एक्टिविटी सेंटर्ड एक्टिविटी जो होती है उसमें सही है डिसिप्लिन में है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है सब कुछ देख के एनालाइज करके और जो बता देता है तो मतलब 18 जो है वो हायर मार्क्स है 20 में, ठीक है आउट ऑफ 20। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो नहीं भी बता पाता है तो 16-17 इस प्रकार से मार्क्स, मतलब एक दो नंबर का अंतर रहता है, बट आप क्या करेंगे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है और ये जो पीडीएफ होगी इसके टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे उससे आप देख लेंगे, ठीक है एक एक पॉइंट्स आप याद कर लेंगे आपको 100% इसी में से आपको मिल जाएगा जो भी पूछा जाएगा। और ग्रामर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें आप जैसे नाउन वगैरह की डिफिनीशन जो आपको लगे इजी है उसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा बस, ठीक है तो आप इतना कर लेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर जो आता है ना वो सेंटेंस एक रख देता है सिंपल सा किसी भी टेंस का, तो कहता है कि बताइए गलत है कि सही है, अगर गलत है तो क्या सही होगा, ठीक है इस प्रकार से क्वेश्चन भी पुट अप कर देते हैं, तो बस इतना ही। तो अगर आपका नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिस सब्जेक्ट का तो ये अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है तो अपने दोस्तों में शेयर करें कि इसी टाइप से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम उसको भी आपको बता देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, क्या आपको क्या क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है जो एग्जामिनर होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।